हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल लर्न स्पॉटनी विद सिया क्लासेस। बात चल रही थी प्लांट मूवमेंट की, जिसमें ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर तक नेस्टिक मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ कर्वेचर का जो नेस्टिक पैराटोनिक में पैराटोनिक कैटेगरी में नेस्टिक मूवमेंट था वो ऑलरेडी कर चुके थे। आज जो पढ़ने वाले हैं, जैसा कि बोर्ड पे भी मेंशन है कि ट्रोपिज्म वाला पार्ट हमें आज करना है, ठीक है। ट्रोपिज्म को ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर डायरेक्टिव मूवमेंट भी कहते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि ऐसा क्यों है, ठीक है। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन। तो शुरू करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे ट्रॉपिज्म की बात चल रही थी, ट्रॉपिज्म का अगर बेसिकली मतलब देखें तो सिर्फ यही है कि जब कभी प्लांट का कोई पार्ट, ठीक है, उसकी कोई एक सरफेस ज़्यादा एक्सटेंड कर जा रही है, ठीक है। यानी ये भी कह सकते हैं वन साइड में ग्रोथ ज़्यादा हो जा रही है इन कंपैरिजन टू अदर साइड, तो वो जो ओरिएंटेशन में चेंज है वो कहलाता है ट्रॉपिज्म, ठीक है। इसी की वजह से मैंने जब डायरेक्टिव बताया था कि डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव क्यों कह रहे हैं, तो उसका रीज़न यही था कि इसमें स्टिमुलस मेन है, कि स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही प्लांट अपनी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। जैसे कि जबकि नेस्टिक मूवमेंट में क्या था कि उसमें रेस्पॉन्स के डायरेक्शन को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी मिल रही थी, ठीक है। अभी क्या है कि ट्रॉपिज्म का अगर बात करें तो इसमें भी सेम कैटेगरी है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरी, जिसमें से दो मेन है। पहला है फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि फोटो समझ में आ रहा है कि लाइट की बात हो रही है नाम से ही, दैट मीन्स कि अगर लाइट इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर शो करता है प्लांट का कोई पार्ट तो वो कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है। और अगर दूसरी कैटेगरी जो मेन कैटेगरी है वो है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म कब होगा, जब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से अगर प्लांट में कोई चेंज, प्लांट पार्ट में कोई चेंज आ रहा है तो वो कहलाएगा जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब ये कैसे देख सकते हो आप, जियोट्रॉपिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमेशा शूट और रूट का देख सकते हो क्या, कि हमेशा शूट जो है वो अबव या टूवर्ड्स दी सॉरी शूट है वो अवे फ्रॉम दी ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रो करती है, जबकि रूट की बात करें तो वो हमेशा टूवर्ड्स दी ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रो करती है, ठीक है। वजह यही है बिकॉज ऑफ जियोट्रोपिज्म, ठीक है। और फिर उसकी एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली फोटोट्रॉपिज्म पर फोकस है। तो बात करते हैं, ये बात तो समझ में आ गई कि ये लाइट इंड्यूस्ड वाला है, ठीक है। लाइट इंड्यूस्ड ट्रॉपिज्म मूवमेंट जब है तो वो कहलाएगा फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। कहाँ कहाँ पर देखने मिल सकता है, ये भी शूट और रूट में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है। कैसे, इसके अलावा शूट और रूट के अलावा और आप कहाँ दे सकते हो, इसी के बेसिस पे शूट और रूट में ही अगर एग्जांपल उसी का ले तो उसी के बेसिस पे इसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या फोटो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कह सकते हैं। किसे, जाहिर सी बात है क्योंकि जो शूट वाला पार्ट है प्लांट का वो ही लाइट की तरफ मतलब कि टूवर्ड्स दी लाइट ग्रो करता है ना। कभी आपने देखा है क्या ऐसा कि जो शूट है वो अंडरग्राउंड पोर्शन में मतलब अंडरग्राउंड पार्ट में ही ग्रो करती हो, ऐसा तो नहीं है, अंडर द सॉइल सर्फेस ऐसा तो नहीं है, है ना। तो बिकॉज ऑफ यही फोटोट्रॉपिज्म की वजह से, जबकि रूट हमेशा क्या है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है, दैट मीन्स कि वो अवे फ्रॉम द लाइट ग्रो करेगी, राइट। तो इसी के बेसिस पे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। अगेन एक और बात करें, केवल एक्सेप्शन कहाँ पर है कि जब रूट की बात करते हैं, यूजुअली सारे प्लांट्स में जो रूट होती है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म ही शो करती है, लेकिन एक्सेप्शन कौन है, कोरोलॉइड रूट, ठीक है। कोरोलॉइड रूट क्या है, हर जगह एक्सेप्शन कुछ ना कुछ एकाध मिल ही जाते हैं, ठीक। तो कोरोलॉइड रूट आपने कहाँ पढ़ी है, साइकस में पढ़ी है। साइकस क्या है, बेसिकली जिम्नोस्पर्म है,
अब कोरोलाइट रूट उसका वजह क्या है, क्योंकि नेचर ने ऑलरेडी उसे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन दे रखा है, ठीक है, वहाँ पे एल्गी है, राइट। तो एल्गी का काम अंडर द ग्राउंड क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि जब उसे लाइट ही नहीं मिलेगी तो वो खाना सिंथेसाइज के मतलब फोटोसिंथेसिस कैसे करेगी, है ना। तो उसकी वजह से जो कोरोलॉइड रूट है एक एक्सेप्शन है, वो क्या पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है। एग्जांपल इसलिए याद रखिए क्योंकि एमसीक्यूज में चाहे आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है कि कोरोलॉइड रूट किस तरह का मूवमेंट ऑफ कर्वेचर शो करती है ना। तो ये आप उसमें एग्जाम्पल में आपके जो भी ऑप्शन होगा तो उसमें ऑप्ट करोगे कौन सा वाला, कि ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, ठीक है, अबव द ग्राउंड होती है और हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करती है, राइट। द नेक्स्ट वन इज अराकिस हाइपोजिया, ये है बोटानिकल नेम ऑफ मूंगफली, ठीक है, ग्राउंड नट। इसमें क्या कैसे ये फोटोट्रोपिज्म शो करता है, आपने एक वर्ड सुना होगा क्लिस्टोकार्पी, ठीक है, क्लिस्टोकार्पी, ठीक है, जिसका सीधा मतलब क्या होता है, क्लिस्टोकार्पी का अगर फिनोमेना आपको मालूम हो तो उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जब कभी अंडर द ग्राउंड हो रहा हो कुछ ऐसा, है ना, तो वो एक्चुअल में होता कैसे, अंडर द ग्राउंड कैसे होएगा, या फ्लावर अंदर कैसे चला गया, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अराकिस हाइपोजिया एक एक्सेप्शनल केस है या स्पेसिफिक केस है, कैसे कि जब फर्टिलाइजेशन का वक्त आता है तो फ्लावर ओपन होता है और फर्टिलाइज करता है, देन अगेन वो इनसाइड दी सोइल चला जाता है, ठीक है। मतलब ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर इसको बताने का ये मतलब है कि कुछ समय तक तो जो अराकिस हाइपोजिया है वो कुछ समय तक पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है, ठीक है, यानी कि जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, राइट। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है वो एक्ट करने लगता है एज अ नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि जिस ये कैसा है जिसमें दोनों ही कंडीशन यानी फोटोट्रोपिज्म की, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म दोनों शो हो रहे हैं, राइट। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लिस्टोकार्पी वाली कंडीशन आएगी, राइट, सॉरी क्लिस्टोकार्पी का सीधा मतलब होता है कि विदाउट ओपनिंग ऑफ मतलब विदाउट ओपन हुए ही फ्लावर फर्टिलाइज कर जाता है, राइट। तो वो ओपन या जो क्लोज वाली कंडीशन वो एक्चुअल में ऐसे ही परफॉर्म होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सिन का, जो ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हो। ऑक्सिन में कैसे कि याद होगा आपको जब डिस्कवरी वाला पार्ट पढ़ा रही थी तो उसमें बताया था कि जो ऑक्सिन होता है वो बेसिकली मूवमेंट ऑफ कर्वेचर शो करता है, जब उसकी डिस्कवरी चल रही थी, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर वो कैसे कि जो शूट टिप थी वो बेसिकली मूवमेंट ऑफ कर्वेचर शो कर रही थी, ठीक, क्यों, जैसे ही शूट टिप पर लाइट डालते थे तो वो इल्यूमिनेटेड जो शूट टिप थी वो बेसिकली इल्यूमिनेटेड साइड की तरफ झुक जाती थी, ठीक है। उसी के बेसिस पे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑक्सिन में भी है कि आप उसमें पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म देख सकते हो, ठीक है। उसी को लेकर के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है, क्योंकि फोटोट्रोपिज्म का एक्चुअल में ऑक्सिन की जो डिस्कवरी थी वो फोटोट्रोपिज्म पर ही काम चल रहा था, बाई चांस कि उसकी मदद से ऑक्सिन की या प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे एक्चुअल में व्हाट हैपन यहीं पर मैकेनिज्म बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है कि ये तो बात आपको क्लियर हो गई कि फोटोट्रोपिज्म बेसिकली किससे होता है, देखो शूट टिप पर ही हो रहा है, मतलब अगर ये भी कहे कि लाइट ऑफ या रीज़न ऑफ परसेप्शन, ठीक है, लाइट परसेप्शन या फोटो परसेप्शन का रीज़न क्या है प्लांट में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एकदम टिप नहीं होती है, टिप से 0.012 mm नीचे, ठीक है, बिलो द टिप इतना अंतर होता है, वो एक्चुअल रीज़न होता है मतलब कि परसेप्टिव रीज़न, ठीक है। बात करते हैं और अगर वो फोटो रिसेप्टर की बात करें तो हर तरह की लाइट हो सकती है, जो फोटोसिंथेसिस में वर्क करते हैं, जो पिगमेंट्स करते हैं, ठीक है। अब बात आती है मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं एक बार। हुआ क्या था कि एक मतलब सिंपल कोई सीडलिंग ले ली, ठीक है, लीव्स इसलिए नहीं बनाई गई हूँ ताकि लीव्स इसलिए नहीं बनाई है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है अबव वाला पार्ट वो शूट अपेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और बिलो वाला पार्ट रूट अपेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। होता क्या है कि आपको ये मालूम है पोलर ट्रांसपोर्ट करता है और जो सिंथेसिस है ऑक्सिन की वो शूट टिप पर होती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अमाउंट यहाँ होगा, कुछ अमाउंट यहाँ होगा। फिर क्या है कि जब कभी इस शूट अपेक्स और रूट अपेक्स पर
लाइट इल्यूमिनेट की जाती है किसी एक डायरेक्शन से, ठीक है। तो उस दौरान हो क्या रहा है कि जब कभी शूट एपेक्स का रेस्पॉन्स देखा गया लाइट के प्रति, तो ये देखा गया कि ये हमेशा लाइट जो है, मतलब कि ये जो शूट एपेक्स है वो क्या करता है, लाइट की तरफ ही झुक जाता है, ठीक है, देख रहे हो आप। तो ये इल्यूमिनेटेड साइड मतलब कि लाइट की तरफ ही थोड़ा सा कर्वेचर या ग्रो अप करने लगता है और इस तरह से कर्वेचर शो करता है, ठीक। तो एक किस तरफ, इल्यूमिनेटेड साइड पे, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो। जबकि सेम है कि पोर्शन रूट एपिक्स पे भी तो वही काम दिया जा रहा, मतलब कि उसी तरह से इल्यूमिनेट किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो रूट थी, रूट एपिक्स था, वो अवे फ्रॉम द लाइट कर्वेचर शो करता था, ठीक है। ये देख रहे हो कि लाइट इसी साइड पर तो दी गई थी, चाहिए था ये भी इसी साइड में कर्वेचर शो करता ऐसे, ठीक है, बजाय ऐसे करने के लिए अवे फ्रॉम द लाइट, ओके। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए तीन तरह के एक्सप्लेनेशन दिए गए, वो भी केवल एक्सप्लेनेशन इस बेसिस पे दिए जा रहे थे कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन फिर भी कुछ संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज निकाली गई। वो तीन एक्सप्लेनेशन क्या थे? फर्स्ट वन कि या तो जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट, मतलब उसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है, वो भी लेटरल ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, यही एपिक्स वाले रीजन में, ठीक। दूसरा था कि या तो फिर दोनों ही रीजन में जो ऑक्सीजन की सिंथेसिस है वो हो ही नहीं रही है, ठीक। तीसरा एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि या तो फिर जो एक ऑक्सीजन है वो जैसे लाइट इल्यूमिनेट करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जो सिंथेसिस है वो, मतलब कि इनएक्टिव, जो ऑक्सीजन का अमाउंट प्रेजेंट है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, यानी इनएक्टिव हो जाए एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन होगी उसकी सिंथेसिस ही बंद हो जाए, तीसरी कंडीशन ये होगी कि उसका लेटरल ट्रांसलोकेशन हो। तो एक्चुअल में जो कंक्लूजन निकला बाद में रिसर्चर्स हुई तो पता लगा कि नहीं, जो फर्स्ट वन था कि उसका ऑक्सीजन जब एल्यूमिनेट, मतलब कि लाइट दी जाती है शूट एपेक्स को या रूट एपेक्स पर डाली जाती है, तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। इसी को एक्सपेरिमेंट से कैसे बताया, एक्सपेरिमेंट दिया था वेंट ने, एक एक्सपेरिमेंट किया, ये इस साइड वाला आप देख सकते हो। इसमें क्या किया, इन्होंने पहले एक शूट टिप को कट किया कि ये लेटरल ट्रांसलोकेशन कर रहा है कि नहीं, इस बात को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। होता क्या है कि एक्चुअल में पहले चीज़ समझ लीजिए, हो क्या है कि जब कभी लाइट पड़ती है तो वो लाइट वाली साइड से दूर भागता है, कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो क्या रहा है कि सारा का सारा जितना भी यहाँ पे पूरे में सिंथेसाइज था उसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की एक साइड पर हो जाती है, यानी कि लेटरल ट्रांसलोकेशन हुआ। उससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन है तो वो ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो इस वजह से वो कर्वेचर शो करता था। जबकि जब यहाँ पर, मतलब कि रूट की बात करें तो रूट में साइटोकाइनिन भी तो है, तो वो क्या रहा है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन होती है वो रूट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से ये कर्वेचर नहीं शो करता। तो अभी ये देखा जा रहा था कि ये भला ये वन साइड शिफ्ट कैसे हो रहा है, ठीक है, तो लेटरल ट्रांसलोकेशन हो भी रहा है कि नहीं। तो उसी के लिए वेंट ने एक एक्सपेरिमेंट दिया, सिंपल एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया कि एक अगार का ब्लॉक लिया और उस पर शूट टिप को कट करके रख दिया, ठीक है। तो इसमें देखा और फिर इस अगार ब्लॉक को मेजर किया तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट लगभग 25.8% था। नेक्स्ट उन्होंने फिर क्या किया कि एक अगेन वैसा ही सेटअप लगाया और उसमें लाइट को इल्यूमिनेट किया वन साइड से, ठीक है, शूट टिप पर वन साइड से लाइट इल्यूमिनेट करी, ठीक है, तब इसका अमाउंट देखा 25.6 यूनिट उन्हें मिला ऑक्सीजन का, ठीक है। अगेन उन्होंने क्या किया कि एक माइका की प्लेट लगा दी और पूरी ही वो पूरे रीजन को ब्लॉक किए हुए थी मिड पार्ट से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, अगर ब्लॉक से लेकर के शूट अपेक्स तक, तब लाइट इल्यूमिनेट की हाफ पार्ट पे, ठीक है। तब अभी देखो इसमें क्या है कि जितना यहाँ पे ऑक्सीजन रहा होगा वो अगर ब्लॉक में आ गया, जितना यहाँ पे ऑक्सीजन रहा होगा वो इधर अगर ब्लॉक में आ गया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि यही जो माइका प्लेट थी इसको फोर्थ एक्सपेरिमेंट क्या किया, यहाँ से हटा दिया, थोड़ी सी छोटी प्लेट लगाई, राइट। तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने वन साइड सेम साइड पर इल्यूमिनेशन या लाइट डाली तो उससे हुआ क्या कि यहाँ का जो भी अमाउंट ऑफ, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन लेटरल ट्रांसलोकेशन शो कर रहा था, शिफ्ट हुआ जा रहा था, माइग्रेट हुआ जा रहा था, अब उसे स्पेस मिल गया, ऑक्सीजन सारा का सारा माइग्रेट होकर के दूसरे साइड पर आ गया, और दूसरे साइड पर जैसे ही आया तो उसने क्या किया,
जैसे कि फिर उसके बाद ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देखी गई, तो ये एक तरफ 35% ऑक्सीजन मिला, दूसरे साइड पे मोर ऑक्सीजन मिला, ठीक है। देख सकते हो आप, एक तरफ 65% लिखा हुआ है, एक तरफ 35% लिखा हुआ, जो ये शो करता था कि जिसकी वजह से जो मतलब कि, और ये किस तरफ हो रहा था कि जो अनइल्यूमिनेटेड साइट है उधर मोर ऑक्सीजन जा रहा था, ठीक है। और जबकि दूसरे अपोजिट साइड पे, यानी जिधर लाइट जा रही थी उधर तरफ लेस ऑक्सीजन अमाउंट था, ठीक है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस हमेशा प्लांट को, मतलब कि ग्रोथ को प्रमोट करती है, प्लांट ग्रोथ को, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो शूट अपेक्स था वो कर्वेचर शो करता था, ठीक है। तो ये फाइनली ये प्रूफ हो गया कि जब कभी फोटोट्रोपिज्म, इसीलिए ये जो कर्वेचर है या फोटोट्रोपिज्म जो शो कर रहा है प्लांट या शूट अपेक्स शो करता है, वो बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के भी लेटरल माइग्रेशन की वजह से या लेटरल ट्रांसलोकेशन की वजह से, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट फोटोट्रोपिज्म। इसमें से बहुत सारे MCQs बन सकते हैं, और बल्कि बनते भी हैं डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है टॉपिक, तो इसको ज़रूर ध्यान से बार बार, जहाँ ना समझ में आए आप पॉज करके दोबारा फिर से देख सकते हो, ठीक है।